देश के लिए शान का दिन है, गणतंत्र दिवस। और ये शान तब और बढ़ जाती है जब तिरंगे के सामने से विदेशी फौज मार्च करती है और झंडे को सलाम करती है। भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाता है जब राजपथ पर फ्रांस सैन्य दस्ते ने कदम ताल किया। देश में 67वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में 26 जनवरी को राजपथ पर देश की विराट सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक के साथ साथ पहली बार विदेशी सेना फ्रांस का मार्चिंग पास्ट दस्ता भी भारतीय सैनिकों के साथ कदमताल कर रहा है। रिपब्लिक डे परेड में पहली बार किसी मित्र देश की सेना ने हिस्सा लिया। फ्रांस की सेना की टुकड़ी भी भारतीय वीरों के साथ कदम मिलाते दिखी। तो भारत और फ्रांस के बीच गहरी होती दोस्ती का भी प्रतीक है। राजस्थान पर कर्नल पॉल ब्यूरी के नेतृत्व में 75 सैनिक फ्रांसीसी सैन्य दस्ते में शामिल हुए। इस मौके पर राजनाथ पर भारत के सैन्य की ताकत की झलकियां खूब दी। भारत की सैन्य शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी पनडुब्बियां, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक परंपराएं, आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण पर सरकार का जोर है। इन सभी की झलक 67वें गणतंत्र दिवस समारोह में परेड के दौरान राजपथ पर नजर आया। गौरव की इस कदम पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मुख्य अतिथि हैं और पहली बार ही था कि जब देश की सेना मार्च कर रही है, हम भारतीयों के लिए भी ये गर्व का क्षण जरूर है।